हम इंसान मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही अंतरिक्ष विज्ञान में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉमी ही पहली साइंस की ऐसी फील्ड थी जो मुख्य रूप से लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ हम इंसानों ने अंतरिक्ष में जाना भी शुरू कर दिया और आज तक करीब 622 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा चुके हैं। इनमें से कुछ तो इतने ज्यादा फेमस हुए कि आज वह एक आइडल के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क के मुताबिक उनके आइडल नील आर्मस्ट्रांग हैं, जो चांद पर जाने वाले पहले इंसान बने थे। वे दो साथी एस्ट्रोनॉट के साथ 1969 में चांद पर गए थे। खैर, इन सब के बारे में तो हमें बहुत आसानी से जानकारी मिल जाती है, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि रशिया के भी काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की किसी न किसी घटना की वजह से मृत्यु हो गई। रूस अपने देश से जुड़ी ज्यादा जानकारी दुनिया के साथ साझा नहीं करता, इसलिए अभी भी यह मात्र एक शक है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे रशियन एस्ट्रोनॉट की कहानी बताने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अमेरिका और रूस बहुत पहले से ही कोल्ड वॉर में रहे हैं। कोल्ड वॉर का मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जो हथियारों से नहीं बल्कि शांत रहकर बाकी सारे फैक्टर्स से लड़ी जाती है। अमेरिका और रूस भी इसी तरीके से अपनी मिलिट्री और बेहतर टेक्नोलॉजी के दम पर यह कोल्ड वॉर लड़ रहे थे। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब रशिया अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर देता है। अमेरिका अभी तक तो हर चीज में जीत रहा था, लेकिन अंतरिक्ष की दौड़ में अब अमेरिका रशिया से पीछे था। बाद में नासा भी काफी सारे मिशन लॉन्च करता है और वह सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फेमस अपोलो 11 मिशन, जिसमें पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा। आज के समय में नासा रशियन स्पेस एजेंसी से काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने का खिताब रशिया देश को ही दिया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसा बताते हैं कि रूस ने स्पेस रेस को जीतने के लिए काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान भी ली है, और इन खबरों को रशियन मीडिया ने दुनिया से छिपा कर रखा है। दोस्तों, क्या आप रशियन स्पेस एजेंसी का नाम जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वोस्टोक 1 नाम की एक रशियन मिशन को पहला मेंड मिशन माना जाता है, यानी एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन जिसमें कोई इंसान अंतरिक्ष में गया हो। आप सबने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान का नाम यूरी गगारिन था। यह एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे जो इसी वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। यह अमेरिका के चांद पर जाने के करीब 9 साल पहले 12 अप्रैल 1961 को हुआ था। इस मिशन से पहले 62 मील को पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता था, यानी अगर आप पृथ्वी की सतह से 62 मील ऊपर चले जाते हैं तो आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। इस मिशन का भी यही टारगेट था और यह सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह रशिया द्वारा किया गया पहला स्पेस मिशन नहीं था। इससे भी पहले रशिया ने काफी सारे टेस्ट एक्सपेरिमेंट किए थे जिनमें शायद कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी। ये खबरें मीडिया में नहीं आई क्योंकि उस समय रशिया अपने आप को अमेरिका से कम नहीं दिखाना चाहता था। हरमन ओबर्थ नाम के एक फिजिसिस्ट के मुताबिक 1958 में रशिया के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसमें 4 रशियन कॉस्मोनॉट मौजूद थे, लेकिन इस मिशन के दौरान ही उन चारों कॉस्मोनॉट की मौत हो गई थी। इसके एग्जैक्ट सोर्सेस कोई भी नहीं ढूंढ पाया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रशिया ऐसी चीजों को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता। लेकिन 1959 में एक अखबार में बहुत ही छोटा सा आर्टिकल छपता है जिसमें रशिया से उन कॉस्मोनॉट की खबर देने को बोला जाता है। सीधी सी बात है कि वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब क्योंकि वह कॉस्मोनॉट्स काफी दिनों से गायब थे, इसलिए अब आम जनता भी ये सवाल उठाने लगती है कि आखिर वो सब कहां गए। 1981 में क्यूबा देश के एक मिलिट्री ऑफिसर ने भी इस बात पर आवाज उठाई थी, लेकिन रशिया की तरफ से आज तक कोई भी जवाब नहीं आया और न ही हमें उन कॉस्मोनॉट्स की दोबारा कहीं कोई खबर मिली। 1960 के दशक में इटली देश के कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने रशिया के मिशन को ट्रैक करने के लिए कुछ रेडियो ऑपरेटर सेटअप किए। इसकी मदद से वे रूस के द्वारा किए जाने वाले हर एक मिशन को आसानी से ट्रैक कर सकते थे और यह डेटा पूरी दुनिया में रिलीज कर सकते थे। इस रेडियो स्टेशन के द्वारा यूरी गगारिन वाली फ्लाइट रिकॉर्ड की जाती है और उसके क्लियर सिग्नल यह स्टेशन कैच कर लेता है। अभी तक तो सब सही जा रहा था, लेकिन 1960 में 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कुछ अजीब एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। वह स्टेशन नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही रेडियो सिग्नल कैच करता है और पूरी दुनिया को एक अलर्ट भेजता है। डॉपलर इफेक्ट के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि यह रेडियो वेव किसी मूव होते हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा रिलीज की गई है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि डॉपलर इफेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी के डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होने को कहते हैं।
अगर आपने कभी किसी एम्बुलेंस को सायरन बजाते हुए गुजरते दिखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे वह एम्बुलेंस दूर जाती जाती है वैसे वैसे आपको साउंड भी धीमा सुनाई देने लगता है। इसी फिनोमेना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल इसी डॉपलर इफेक्ट को शो कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि यह रेडियो वेव अंतरिक्ष में मूव होने वाली किसी ऑब्जेक्ट द्वारा रिलीज की गई है। कई सोर्स के मुताबिक यूरी गागरिन के फ्लाइट के बाद व्लादिमीर सर्गेविच नाम के कॉस्मोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की गई थी। वे अंतरिक्ष में सक्सेसफुली पहुंच भी गए थे, लेकिन दिक्कत हुई वापस आते समय। उन्हें वापस आते समय चाइना में एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और चाइनीज आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रशिया ने उस कॉस्मोनॉट को अपने देश में वापस लाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर वह ऐसा करते तो दुनिया को ये पता चल जाता कि वह अंतरिक्ष में जाने के और भी मिशन प्लान कर रहे थे। 1967 में रशियन रिवॉल्यूशन के 50 साल होने वाले थे और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वह एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दुनिया के सामने शो करना चाहते थे। रशिया के हेड ऑफ स्टेट लियोनिड एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लेन को दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं। उनका कहना था कि रशिया एक ऐसे स्पेस मिशन को लॉन्च करेगा जिसमें दो एस्ट्रोनॉट अलग अलग स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष में जाएंगे। वहां जाने के बाद वह दोनों अपने अपने स्पेसक्राफ्ट चेंज करके एक दूसरे के स्पेसक्राफ्ट में आ जाएंगे। यहां पर मुख्य मिशन कंप्लीट हो जाएगा और दोनों ही स्पेसक्राफ्ट वापस से पृथ्वी पर आ जाएंगे। यह आज के समय में भी सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन उस समय रूस सिर्फ अमेरिका से जीतना चाहता था, इसलिए वह इस मिशन को प्लान करना शुरू भी कर देता है। पहले इस मिशन में यूरी गागरिन जाने वाले थे, लेकिन अंत में व्लादिमीर कोमारोव को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में चूज किया जाता है। सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों के ऊपर प्रेशर था, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि 50वीं सालगिरह तक यह स्पेसक्राफ्ट मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। जब यूरी गागरिन को उस स्पेसक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करने का मौका दिया जाता है तो वह उस स्पेसक्राफ्ट में करीब 200 भारी गलतियां निकालते हैं। उनका कहना था कि अगर इनमें से कोई एक भी गलती अंतरिक्ष में हो जाती है तो यह पूरा मिशन फेल हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सरकार के प्रेशर की वजह से कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है और इस मिशन को लॉन्च करने की फाइनल डेट करीब आने लगती है। सिर्फ यूरी गागरिन ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो हेड ऑफ स्टेट से जाकर ये बात बताते हैं कि मिशन अभी लॉन्च होने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार पहले ही दुनिया के सामने वादा कर चुकी थी इसलिए अब इस मिशन को किसी भी हाल में रशिया को करना ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्लादिमीर कोमारोव को भी ये क्लियर रूप से पता था कि यह मिशन फेल होगा और उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह इस मिशन को करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वे अपने दोस्त यूरी गागरिन को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे उनकी जगह अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार थे। मिशन की डेट करीब आ रही थी और अब वह अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को गुड बाय कहकर 23 अप्रैल 1967 को उस स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाते हैं जो अंतरिक्ष में लॉन्च होना था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा क्योंकि यह इतना फेमस जो है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था सोयुज 1। इसके लॉन्च होने के बाद एक और स्पेसक्राफ्ट था जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट थे और वह अगले दिन लॉन्च होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिशन उतना आगे तक पहुँच ही नहीं पाया। मिशन के लॉन्च होने के कुछ देर बाद सबको ये पता चल गया था कि अब एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला है। अंतरिक्ष में लॉन्च होने के थोड़ी ही देर बाद सबसे पहली दिक्कत कॉस्मोनॉट और वैज्ञानिकों के सामने ये आई। उस स्पेसक्राफ्ट के सोलर मॉड्यूल सही से नहीं खुल रहे थे, जिसकी वजह से पावर सप्लाई में दिक्कत आने लगी। इसके बाद सोलर सेंसर ने भी काम करना बंद कर दिया क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में लगाई गई बैटरी काफी ज्यादा कमजोर थी। अगर मिशन का पहला भाग सक्सेसफुल भी हो जाता तब भी पूरा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। दरअसल वैज्ञानिकों से टाइम के कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसी कारण मिशन का दूसरा भाग पहले वाले भाग से कभी मिल ही नहीं पाता। इस समय तक दूसरे स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च को कैंसिल कर दिया गया था और सब अंदर ही अंदर उस घड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं जब पहला मिशन फेल होने वाला था। रशिया ने दुनिया को ये बताया कि दूसरा मिशन उन्होंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उस दिन का मौसम बहुत खराब था। खैर, पहले स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी आने लगती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वह पृथ्वी पर वापस आने के लिए तैयार था। जब वह पृथ्वी पर वापस आ रहा होता है तो व्लादिमीर कोमारोव का पैराशूट ही नहीं खुलता। वह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहा था और अंत में आकर वह पृथ्वी की सतह से क्रैश कर जाता है और उस कॉस्मोनॉट की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। स्पेसक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग से पहले कोमारोव रशियन ऑफिसर्स को अपनी आने वाली मौत का जिम्मेदार बताते हैं। ऑफिशियल पेपर में ये दिखाया गया है कि कोमारोव की मृत्यु टेक्निकल एरर की वजह से हुई, लेकिन असल में यह मृत्यु ह्यूमन एरर की वजह से हुई थी।
अगर उस मिशन की लॉन्च को थोड़ा सा और डिले कर दिया जाता तो बहुत हाई चांसेस थे कि यह मिशन सक्सेसफुल भी होता और किसी भी कॉस्मोनॉट की जान भी नहीं जाती। अपनी मौत के समय वे 40 साल के थे और पूरे रशिया के सबसे अच्छे कॉस्मोनॉट माने जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।